हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में। आज कुछ सिंगोनियम प्लांट्स की वैरायटी शेयर करूँगी और सिंगोनियम प्लांट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी आप लोगों के साथ आज इस वीडियो में। अगर आप लोगों को प्लांट वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। तो फ्रेंड्स, पहली जो वैरायटी है जो सिंगोनियम प्लांट की है, ये देखिए, ये है ड्वार्फ वैरायटी। सिंगोनियम प्लांट्स की वैसे बड़ी पत्तियों वाले भी जो वैरायटीज़ है वो आती हैं और पत्तियों के शेड्स अलग अलग, आप लोगों को कलर जो है, कलर कॉम्बिनेशन पत्तियों का वो अलग अलग मिल जाएगा। और ड्वार्फ वैरायटी जो होती हैं फ्रेंड्स, वो छोटी ही होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ती है सिंगोनियम प्लांट की। और इसे मिनिएचर वैरायटीज़ भी कहा जाता है, जो बहुत छोटी छोटी पत्तियों वाली होते हैं और आप इस तरह के सेरेमिक पॉट्स में लगा कर रख सकते हैं, तो बहुत सुंदर लगता है ये प्लांट। मैंने भी लगाया हुआ है, ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर लगता है। दूसरी बात कि हवा को भी प्यूरीफाई करता है, साफ़ करता है। तीसरा कि आपके घर को बहुत ही स्टाइलिश लुक देता है। और चौथी इसकी ख़ास बात ये है फ्रेंड्स कि ये जो प्लांट है, ये आप एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं और वो भी बहुत आसानी से। ये जो प्लांट्स होते हैं, ये एरियल रूट प्लांट्स होते हैं, मनी प्लांट्स की तरह जगह जगह से इसकी जड़ें निकल आती हैं। तो जड़ें जहाँ से निकलती है उसके थोड़े से नीचे से आप इसकी कटिंग कर लें और फिर चाहें तो पानी में कुछ दिनों तक कांच के बॉटल में रख लें, या फिर उसको डायरेक्टली, अगर उसकी जड़ें बड़ी बड़ी हैं तो उसको आप डायरेक्टली किसी पॉट में लगा सकते हैं, जिस पॉट में भी आप लगाना चाहें, तो नया प्लांट तैयार हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये देखिए, पिंक पत्तियों वाले भी सिंगोनियम होते हैं, बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स होते हैं ये और बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं मिलते हैं। ये अगर छोटा प्लांट आप लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये 60 से लेके 80 रुपए तक में आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाएगा और कहीं कहीं तो और भी कम प्राइस में आप लोगों को ये प्लांट जो है वो मिल जाएगा। हालांकि आजकल प्लांट वेंडर और नर्सरी पर भी प्लांट्स बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, तो ये जो प्लांट्स हैं वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं महंगे मिलेंगे फ्रेंड्स, 70-80 रुपए तक तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो ये सारे जितनी भी वैरायटीज़ होती हैं आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ड्वार्फ वैरायटी है फ्रेंड्स, मिनिएचर वैरायटी, जिसकी पत्तियां छोटी ही रहती हैं। और ये देखिए कलर कॉम्बिनेशन कितना खूबसूरत है, तो इसकी पत्तियाँ बहुत छोटी छोटी निकलती हैं, बहुत प्यारे लगते हैं ये प्लांट्स। आप इन प्लांट्स को टेबल टॉप पर भी रख सकते हैं, डेस्क टॉप पर भी रख सकते हैं, ऑफिस में आप लोग, स्कूल में, अगर आपका स्कूल है तो स्कूल के ऑफिस में रख सकते हैं। मतलब बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश लुक देने वाला डेकोरेटिव प्लांट है, जो कि आप कहीं पे भी प्लेस कर दें, घर में, ऑफिस में, स्कूल्स में, जहां भी फ्रेंड्स आप रखना चाहें, तो खूबसूरती बढ़ाता है आपके घर की। बहुत ही सुंदर प्लांट्स हैं। इसकी एक और वैरायटी है, ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, बेसिकली इंडोर प्लांट्स होते हैं। सुबह की जहाँ पे हल्की धूप मिलती है इन पौधों को, वहाँ पे इन पौधों को रखें तो बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ होती है इन प्लांट्स की। महीने में सिर्फ एक बार थोड़ा सा खाद डाल दें, चाहे तो वर्मी कंपोस्ट डाल दें फ्रेंड्स, या गोबर की खाद, बस महीने में थोड़ा सा डाल दें और फिर पानी थोड़ा सा डाल दें, फिर पूरे महीने आप आराम से देखेंगे कि इसकी ग्रोथ अपने आप होती रहती है। तो बहुत खूबसूरत प्लांट्स हैं, आप लोग भी लगाएं अगर नहीं लगाया हो। ये देखिए फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, मेरा गला बहुत ख़राब है। ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये देखिए, मिनिएचर सिंगोनियम है, इसकी पत्तियां काफ़ी छोटी छोटी हैं। अभी जितने भी प्लांट्स मैंने शेयर किए हैं उन सब में से सबसे छोटे छोटे साइज़ की पत्तियों वाला ये जो वैरायटी है, सबसे छोटे साइज़ की पत्तियों वाली वैरायटी है ये। बहुत खूबसूरत लगते हैं ये प्लांट्स। इसकी और भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं जो कि बहुत सुंदर लगती हैं। इस प्लांट को आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और इस प्लांट में फ्रेंड्स, नीचे में ये देखिए छोटे छोटे प्लांट्स निकल आते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, तो बहुत सारे एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट है, घर में रखने के लिए, आप किचन में भी रख सकते हैं, बेडरूम में, वॉशरूम में, जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो वहाँ पे रखें तो बहुत अच्छा रहता है इन पौधों के लिए। और बड़ी सुंदर लगते हैं इसके कलर कॉम्बिनेशन, अगर आप लोग देखें फ्रेंड्स प्लांट्स के, तो बहुत ही
अच्छा लगता है देख के। इसकी कुछ वैरायटीज़ तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं फ्रेंड्स, एक बार देखो तो मन करता है बस देखते ही रहो इनकी वैरायटीज़ को। बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स हैं ये। तो यही था फ्रेंड्स आज का हमारा प्लांट वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।